हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेल का शरबत। बेल का शरबत गर्मी में बनाकर पिया जाता है, इससे पेट को बहुत ही ठंडक मिलती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक बेल लिया है, आप देख सकते हैं बेल इस तरह का होता है। ऊपर का पार्ट जो है वो बहुत ही हार्ड होता है। अब इसे हम तोड़ेंगे। देखिए बेल के अंदर का पार्ट जो है वो इस तरह से होता है। अब हम इसके पल्प को इस तरह से निकालेंगे। बेल के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेल का बीज है, ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। देखिए हमने पल्प को अच्छे से निकाल लिया है। अब इसमें हम कप से 3 कप पानी डालेंगे। और इसे हम इस तरह से हाथ से मैश करेंगे। आप कभी भी बेल का शरबत बनाते हैं तो इसी तरह से पल्प को निकालिए, क्योंकि इसे मिक्सी के बर्तन में डालकर पीसा नहीं जाता है। इसे अगर आप पीस देंगे तो बीज के वजह से शरबत पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बीज बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और ये बहुत ही आसानी से इस तरह से निकल जाता है। हाथ से मैश करते हुए हमने पल्प को निकाल लिया है। अब इसे हम छानेंगे। छानने के लिए हम बड़ा बॉल लेंगे। बॉल के ऊपर हम इस तरह की छन्नी रखेंगे और इसे हम छान लेंगे। इस तरह से कलछी से हम घुमाते हुए पल्प को बॉल में निकाल लेंगे। ये बीज है इसे हम हटा देंगे। इसी तरह से हम सारे छान लेंगे। सारा हमने छान लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना गाढ़ा दिख रहा है। अब इसमें हम आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पीसी हुई चीनी डालेंगे। पीसी हुई चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम यहाँ पर 4 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, चीनी पूरी तरह से घुल गई है। अब इसे हम ग्लास में निकाल लेंगे। लीजिए दोस्तों, ठंडा ठंडा बेल का शरबत बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।